नैन दोस्तों, आज हमारे साथ सुरजीत भैया, आज इनका 49,000 वाली सिलेक्शन हुआ था। भैया के जर्नी के बारे में जानेंगे। भैया सबसे पहले अपना नाम और इनकी कितना बैकग्राउंड, पहले हम इंट्रो देना चाहेंगे। ये भैया हमारे हैं 16 बैच के, जितेंद्र भैया, बकायदा पूरा रोआ ब्रेन का भोकाल है। अब हम अपने पे आते हैं। हमारा जो हुआ था 49,568 वाली में हुआ, 2018 में आई थी वैकेंसी, जो क्लियर हुई 2021 में। उसके पहले दोनों जी बीच में आए थे, कुछ 21 में। हाँ, कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गया था, बाकी उसके बाद आप देख ही रहे हैं। भैया कब आपने हाई स्कूल किया, कब इंटर किया था? तो हमने भाई हाई स्कूल किया था 2012 में और इंटर किया 2014 में। उसके बाद ग्रेजुएशन हमारा 17 में हुआ। उसके पहले हम 3-4 पेपर निकाल चुके थे। 2015 में लेखपाल में हो गया था फाइनल सिलेक्शन, हमने छोड़ दिया। तैयारी कब से स्टार्ट की थी? तैयारी में 2015 से ही। हाँ, 2015 से नॉर्मल घर पे पढ़ रहे थे ऐसे ही। तो जो लेखपाल आई थी 15 में आई थी। हाँ हाँ, राजस्व लेखपाल आई थी आपकी, वो वाला हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो हमने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हमारे सपने बड़े थे, तो हमको लगा कि बहुत छोटे हैं तो अभी कोई जरूरत नहीं नौकरी की। बहुत संपन्न परिवार से थे, हमें ऐसा लगा नहीं कि हम नौकरी इतनी छोटी करें। और उसके बाद तैयारी किसकी चल रही थी? सीजीएल की चल रही थी। हाँ, हम मेन सर सीजीएल की तैयारी कर रहे थे। और जैसा कि आपको पता है कि उसमें हम एमईए की तैयारी कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अच्छा, सपने बड़े थे इसीलिए। अब 2016 में हमने वीडियो का निकाला, वीडियो फाइनल सिलेक्शन हो गया, जिसमें 80-90 नंबर के नंबर था, फिजिकल 20 नंबर का इंटरव्यू। अच्छा, फिजिकल भी था ना उसमें? फिजिकल नहीं था उसमें, सिर्फ इंटरव्यू आपका 20 नंबर का था, 80 नंबर का आपका पेपर था। अच्छा, जिसमें 54 नंबर कट ऑफ गिरी थी और 56 नंबर आपके भाई के थे। अच्छा, इंटरव्यू के बाद तो फाइनल लिस्ट में हमारा नाम था, हमने ज्वाइन नहीं किया वो भी। तो मुझे ऐसा लगता है आज मैं जहाँ पे हूँ, ये आपका दूसरा सिलेक्शन है? नहीं, ये मेरा तीसरा है, 14 वीडियो 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 कौन सा सिलेक्शन? वीडियो मेरा दूसरा सिलेक्शन था। उसके बाद फिर मैंने 2015 वाली भी डाली थी, जो क्लियर हुई जाकर 2018 में। अच्छा, जो हमारे अखिलेश भैया निकाला 34,000 तो वो भी निकाले थे, लेकिन उसमें भी हमने ज्वाइन किया जो कि हमको पुलिस पसंद नहीं थी। उसके बाद हमारा 2017 में हम पहले एंट्री मारे सीजीएल में, चूंकि हम 20 साल के हो चुके थे तो हमने पहली बार पेपर दिया सीजीएल का, हमारा प्री क्वालिफाई हो गया, मेंस में हम रह गए ऐसे ही। उसके बाद फिर 18 दिया, 18 में प्री मेंस दोनों हो गया। उसमें तब होता था, अभी आपका पैटर्न बदल गया है, तब होता था ऐसे ऐसे रहता था। तो ऐसे ऐसे हम कुछ वहाँ नहीं लिख पाए, हमारे उसमें नंबर बहुत कम रह गए। तो जब फाइनल लिस्ट बनी तो उसमें हमारी छटनी हो गई। अच्छा। और तब तक हम विकराल एकदम डिप्रेशन में घुस चुके काफी। हाँ, सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद फिर जो हम चाह रहे थे वो हमसे हो नहीं रहा, तो हम डिप्रेशन में घुस चुके थे। और उसके बाद हमने एक बार ट्राई किया 2019 में पीसीएस का। अच्छा अच्छा, पीसीएस में हमने पहली बार दिया, वो हमारा प्री निकल गया। अच्छा अच्छा, अब चूंकि हमारी मेंस की तैयारी जीएस की थी नहीं, तो वहाँ से हम वहाँ जाके सिर्फ लोगों के चेहरे ताप रहे थे बस, वहाँ कुछ नहीं, आंसर राइटिंग कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमें जीएस आती नहीं थी, क्योंकि हम जीएस के बंदे ही नहीं थे भाई, हम तो मैथ्स और रीजनिंग ये सब। तो फैक्चुअल जीएस प्री में आता है, तो उसी बेस पे चलो ठीक है, तो हो जाता है। हमारा पहली बार में पढ़ के फिर उसके बाद कोरोना आ गया, फिर यही चलता रहा। उसके बाद फिर हमने इसका पेपर दिया यूपीटी वाला, जिसमें अभी मैं वर्दी धाड़ के बैठा हूँ, बस यही अभी तक की जर्नी रही है। उसके बाद 2021 में आपकी वैकेंसी आई 9,534 आपकी दरोगा जी, तो उसमें मेरे 280 नंबर थे, और उसी में कुछ घट गए होंगे शायद, क्योंकि मैं उसमें भी रनिंग गया। अच्छा अच्छा, रनिंग करने में चतुर्थ वाहिनी प्रयागराज गया, और फाइनल लिस्ट जब उसकी आई तो उसमें मेरा नाम नहीं था। अच्छा, उसमें फाइनल लिस्ट चल रहा है। बड़ी वैकेंसी जो ग्रेजुएशन लेवल की थी उसमें फाइनल लिस्ट ही चलता रहा, फाइनल लिस्ट से ही बाहर हो गए। संघर्ष काफी लंबा रहा। फिर हमारी जब पोस्टिंग हो गई, हम जुलाई में पोस्टेड हुए 2022 में कानपुर। कानपुर जब हम गए तो हमारा सीजीएल का लगा उधर आपका अक्टूबर में, अक्टूबर में आपका प्री लगा, और शायद अगस्त में आपका सीपीओ लगा था या सितंबर में, तो वो दोनों मेरे पेपर निकल गए। वो जब उसका रिजल्ट आया तो उसका मेंस लगा हुआ था फरवरी में सीजीएल का, और मेंस का जो हमारा सीपीओ निकल गया था उसका फिजिकल लगा हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार 8 तारीख को, 8 फरवरी। उन लोगों ने मेल कर दिया था 29 जनवरी को। हमारा मेल में दोबारा वेरिफिकेशन मांग रहा था, मैंने उसको चेक नहीं किया, हमारे पास मेल आया 18 फरवरी, तो उसका फिजिकल देने निकला, मिस कर दिए। तो अब उस वो दुख आ ही रहा था कि तब तक मेंस आ गया, मेंस देने गए। हाँ, उसमें मेरे 237 नंबर थे, लेकिन कंप्यूटर में लिखित में भी फेल थे और टाइपिंग में भी फेल थे, ओवरऑल उसमें भी फेल हो गए। और तब से कोई पेपर अभी तक निकाली नहीं है, ऐसी सन्नाटे में चला। तो भी कोई आई भी नहीं है, कोई आई नहीं है, तब से सन्नाटे में चला। और इस बार वाला सीजीएल का हम
प्री क्वालिफाई नहीं करता। अच्छा, प्री भी नहीं, प्री क्वालिफाई नहीं, वो टाइम ज्यादा हो जाता है ना, फिर कंपटीशन समय के अनुसार। चलिए भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद।